आपका सुराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आवासहीनों को आवास देने, कच्चे मकान वालों को पक्का मकान देने, किरायेदारों को भी घर देने की योजना में तेजी ला दी है। शहरी क्षेत्रों में निवासरत परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित योजना मोर जमीन मोर मकान के लिए मकान देने की शुरुआत कर दी गई है। भूपेश सरकार ने इस योजना को छत्तीसगढ़ में अब नया नाम और स्थानीय पहचान दी है। इस योजना को प्रदेश में मोर जमीन मोर सिन्हारी के नाम से जाना जा रहा है। इस योजना में राज्य भर में झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्ती तालाब पार पर रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाकर सरकार दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। हमारी इस खास पेशकश में आज आपको दिखाएंगे कैसे इस योजना का लाभ निम्न वर्ग के लोग ले रहे हैं और काफी उनकी जिंदगी भी बदल रही है। तो हमारी एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीर राजधानी रायपुर की है, ये तस्वीर झुग्गी झोपड़ी बसाहट की है, ये तस्वीर मलिन बस्तियों की है, ये तस्वीर शहर में नरकीय जीवन जीने वाले रहवासियों की है। लेकिन इन तस्वीरों को बदलने, यहाँ के रहवासियों के जीवन में नया रंग भरने, यहाँ के लोगों को सम्मान के साथ जीने, रहने का हक देने, उन्हें भी पक्के मकान में बसाने की योजना तेजी से भूपेश सरकार ने ला दी है। पीएम आवास के तहत संचालित मोर जमीन मोर मकान योजना को छत्तीसगढ़ में एक नया नाम दिया गया है। इस योजना को अब प्रदेश भर में मोर जमीन मोर चिन्हारी के नाम से जाना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। तब उन्होंने योजना के बारे में बताते हुए कहा था कि मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत 1,60,000 परिवारों को आवास निर्माण सहायता दी गई है। मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार डुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण में तेजी लाई गई है। इससे हितग्राही को मात्र 75,000 रुपए में घर मिलेंगे। नगरीय निकायों को जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए जारी भी किए गए हैं। मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत 1,60,000 परिवारों को आवास निर्माण है तो 2,29,000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में डालने की व्यवस्था की गई है। मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार दुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण में तेजी लाई गई है, जिससे हितग्राहियों को मात्र 75,000 रुपए में घर मिलेंगे। नगरीय निकायों को जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस योजना में खास क्या है। यह एक आवासीय योजना है। इस योजना के तहत सालाना पारिवारिक आय 3,00,000 या उससे कम आमदनी वाले सभी शहरी गरीबों को पक्का घर देकर उनके जीवन को सरल, सुघर एवं खुशियों से भर देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हर स्तर पर छत देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान, इसके तहत शहरी क्षेत्रों के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोर जमीन मोर मकान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग वाले आवासहीन लोगों को मकान देना है। 168 नगरीय निकायों में योजना के तहत मकान निर्माण कार्य जारी है। ऋण ब्याज पर सब्सिडी, हितग्राही को आवास निर्माण या खरीदी हेतु 3 से 6.50% तक में ब्याज सब्सिडी दिया जा रहा है। कुष्ठ पीड़ितों को भी दिया जा रहा है योजना का लाभ। इस योजना का लाभ तालाब पार मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को भी दिया जा रहा है। इसमें मात्र 75,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का पक्का आवास गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। 75,000 भी हितग्राहियों को 25 आसान किश्तों में पटाना है। इसमें मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता, सर्व सुविधा युक्त आवास देकर जीवन स्तर उठाने का प्रयास, योजना से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बदलना, जहां आवास दिया जा रहा वहां बिजली, साफ पानी, सड़क और गार्डन से पूरी सुविधाएं, आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार 2.5 लाख अनुदान देगी, जिसमें केंद्र सरकार अधिकतम वित्तीय सहायता
1.5 लाख देगी। वहीं राज्य सरकार अधिकतम वित्तीय सहायता 1 लाख देगी। मकान निर्माण की शुरुआत हितग्राही को स्वयं के संसाधनों से करनी होगी। इसके बाद यह राशि भूतल के लिए 4 किस्त एवं प्रथम तल के लिए 3 किस्त में बैंक के माध्यम से अनुदान की राशि दी जाएगी। वहीं मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार डुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण में तेजी लाई गई है, जिससे हितग्राही को मात्र 75,000 रुपए में घर मिल सकेंगे। इस योजना का पता चला तो इसका फॉर्म भरने आए हुए हैं ताकि मतलब इस योजना से हम भी लाभान्वित हो सके। जो हम किराया रेंट में दे रहे हैं उधर न देके इधर देंगे। मुझे लग रहा है इस योजना से मुझे फायदा भी मिलेगा और जो मैं रेंट में पैसा देता था वो पैसे मैं बजट करके गई बैंक में फाइनेंस कराऊंगा और एक दिन मुझे अपना पक्का मकान मिल जाएगा। और इस योजना के लिए सरकार को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर चिन्हारी योजना हर मायने में बस्ती में रहने वाले लोगों की चिन्हारी की है। उम्मीद है कि इस योजना के तहत 100% गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उनके पास शहर में पक्का घर, उनकी अपनी छत, आशियाना मकान होगा, चिन्हारी होगी। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और